लुक्स वेरी नाइस। मैंने एप्पल वॉच के लिए कुछ एक्सेसरीज स्क्वायर गला बनवाया है, उसके साथ ट्रेंड में तो है लेकिन कंफर्टेबल भी ये बहुत होते हैं। मैं पीको नहीं करवाई, इसमें मैंने अपनी टेलर से सिलाई लगवा दी है। A very good morning everyone. मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में 5-10 मिनट सबसे पहले अपने आप को टाइम देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है, मैं सेटल हो जाती हूँ और उठने के बाद जो डिजीनेस होती है वो भी खत्म हो जाती है। वैसे भी मुझे ना स्लो मॉर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आराम से उठती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, उसके बाद स्किन केयर करती हूँ, थोड़ा सा आराम भी करती हूँ और आराम से बिल्कुल बहुत आराम आराम हो गया वैसे, लेकिन फिर मैं बाहर जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना। खैर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कितनी स्लो होती है, डेली व्लॉग्स में मैं हमेशा अपनी रिकॉर्ड करती हूँ। आपको अपना शॉपिंग हॉल दिखाने वाली हूँ, है तो छोटा सा लेकिन आपको पसंद आती हैं ऐसी वीडियोस जहाँ पे मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो कि मेरे शॉपिंग व्लॉग्स होते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप बैग देख रहे हैं, आपको याद होगा एक शॉपिंग व्लॉग में मैं लेके आई थी आइडिया से एक चीज़, वो भी दिखाऊंगी और उसके साथ जो मेरे कपड़े सिल्क के आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है सबसे पहले मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं अपनी एप्पल वॉच के लिए कुछ एसेसरीज, और आप समझ गए होंगे एसेसरीज से मुराद है कि मैंने 3 जो है वो अपने एप्पल वॉच के लिए बेल्ट ऑर्डर किए हैं। तो अभी सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओके सो इट इज 3 कलर ऑर्डर किए थे बेल्ट्स में, सो ग्रीन, पिंक एंड ब्लैक। जब भी हम दराज से ऑर्डर करें वहाँ पे लिखा होता है रिव्यू, 4 out of 5 हो तो फिर सही होता है, और उसमें आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारे रिव्यूज़ आ जाते हैं, उन्होंने अपनी पिक्चर्स शेयर की हुई होती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। तो हमेशा रिव्यू देख के ऑर्डर किया करें। ये ओरिजिनल स्ट्रैप्स हैं तो इनको अभी हम निकालते हैं। इसका जो मटेरियल है ना ये सिलिकॉन टाइप है, तो काफ़ी एक अच्छा मटेरियल है, क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है इसकी, लाइक बुरी नहीं है। ये देखें अगर ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना तो ये मैं कट भी कर सकती हूँ, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये आ चुका है, इसको मैंने सिंपल जो है ना सिलवाया है, इतना कोई खास। इसका जो गला है वो है बे टाइप गला है इसका, लाइक ब्रॉड बे गला है, और इसके जो स्लीव्स हैं इस पर मैंने बॉर्डर लगवा दिया, इसी शर्ट में इंक्लूड था ये, और मैंने बहुत ही कोई बेल बॉटम स्लीव्स बनवा ली हैं, और साइज में भी मैंने इसको लूज रखा है क्योंकि आजकल लूज फिट बहुत ही ट्रेंड में है। और इसका जो दामन है उस पर भी मैंने बॉर्डर लगवा दिया, सिंपल सा एक लाइक कहने के घर का सूट है, बंदा ग्रॉसरी करने जाता है, शॉपिंग करने जाता है, तो उसमें ये हल्का फुल्का सा बहुत ही कंफर्टेबल सा मैंने 2-piece स्टिच करवा लिया है। इसका ट्राउज़र है ना वो मैंने इंतहाई कम्फर्टेबल येट ट्रेंडी बनवाया है, तो ये है ट्राउज़र। ओके कितना कम्फर्टेबल है, कितना लूज लूज सा मैंने बनवा लिया है। और ये इसकी ट्राउज़र की कुछ प्रिंट है, ब्रॉड स्क्वायर गला बनवाया है इसका। स्लीव्स है ना कुछ मैंने इस तरह से सिलाई लगवा दी है क्योंकि इसकी स्लीव्स प्लेन थी, ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। आपको पता है जब फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड सारा होता है तो बैक और स्लीव्स ऐसे प्लेन देते हैं। तो ये देखें मैंने सारी जो है ना इसकी स्लीव्स बनवा ली हैं इस तरह से सिलाई लगवा के, और यहाँ से थोड़ा से चुन ऐड करवा दिए हैं ताकि शोल्डर की तरफ से एक ये शोल्डर की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। लूज दामन एयरलाइन शर्ट्स और खुले खुले पजामे बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने भी इस तरह स्टिच करवा लिया, और उसके साथ ट्रेंड में तो है लेकिन कंफर्टेबल भी ये बहुत होते हैं। फ्लिपर बनवा लिया है, दुपट्टा है ना ये थोड़ा सा शॉल टाइप है, ये कॉटन यू कैन सी पूरे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो ये इस तरह से अच्छा लगेगा। एंड आपको पता है इसका जो दुपट्टा है ना इस पर मैं पीको नहीं करवाई, इसमें मैंने अपनी टेलर से सिलाई लगवा दी है क्योंकि सिलाई जो है ना वो बहुत एलिगेंट लगती है, पीको बहुत मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है। इसकी कंट्रास्ट कितनी अच्छी लगेगी। अभी मैं जाऊंगी अपने दोस्त के पास, उसको उम्रे की मुबारक देनी है, तो मैं ये पहन के जाऊंगी, देन आपके साथ शेयर करूंगी कि पहना हुआ ये कैसा लगता है। आइडियाज पे मुझे एक ट्राउजर बहुत अच्छा लगा, लाइक सीरियसली बहुत अच्छा लगा किसी नेट पे। ट्राउजर जो है रॉ सिल्क का है और इसके जो पंचे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मुझे ये बहुत पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया था। एक ये देखे
लुक्स वेरी नाइस। जब आप पहनेंगे ना इसको, ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैंने थोड़ा सा घर के कपड़ों के अलावा जो ट्राउज़र्स होते हैं सेमी फॉर्मल टाइप, तो मैंने उनके साथ पेयर करने के लिए ये रख दिया है। इसके स्ट्रैप्स चेक करते हैं, ग्रीन स्ट्रैप भी लगा के देखती हूँ कैसा लगता है। ज़रूर बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि आज का हॉल आपको कैसा लगा मेरा। ऐसे स्ट्रैप चेंज करने से ना वॉच का बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाता है, तो मुझे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और तकरीबन इस वॉच को 2 साल हो गए हैं लेकिन मैंने कभी इसके स्ट्रैप चेंज नहीं किए थे, क्योंकि जिस कलर में मैंने ये मंगवाई थी ना वो कलर मुझे बहुत पसंद था। तो ये देखें, ग्रीन में अच्छी लग रही थी या पिंक में अच्छी लग रही है, ये मुझे ज़रूर अपनी ओपिनियन देगा इस बात पर। मुझे हमेशा होता था कि ब्लैक कलर जो है ना वो बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे वॉच की जो डायल है ना वो देखें आप सिल्वर है, तो मुझे था कि ये ब्लैक कलर इस पर सूट ही नहीं करेगा, ब्लैक पे ब्लैक डायल ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप मुझे बताएं ये कैसा लग रहा है ब्लैक पे, डायल जो था ना मुझे लग रहा था ये मैच नहीं करेगा, पर मेरे ख्याल से अभी जो है अच्छा लग रहा है, काफ़ी मैच कर रहा है। वॉच है मेरी ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रैप्स के साथ अच्छी लग रही थी, या फिर इन स्ट्रैप में से कौन सी लाइक किस कलर में अच्छी लग रही है, बंदे को थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए ना। ऐसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने फ़ोन कवर्स चेंज करना, वॉच के स्ट्रैप्स चेंज करना, तो एक न्यू सी फीलिंग आती है उसी चीज़ में। और अभी जो है मगरिब का टाइम हो चुका है, तो चले अभी पढ़ते हैं मगरिब और इन सबको पैक करते हैं। ये सारे शॉपिंग हॉल का मुझे फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा जी। अभी मगरिब हो चुकी है, आज़ानें वगैरह हो रही है। ब्लैक कलर भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी रिस्ट पतली है ना तो ये बाहर आ गया है। अब इसको मैं क्या करूं, इसको काट दूं या फिर क्या करूं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ताकि इसका लुक ख़राब ना लगे। मेरे ख्याल से काटने से इसका जो लुक है ना वो ख़राब हो जाएगा। खाना आ चुका है और खाने में आज है सब्ज़ी, रोटी एंड सैलेड। माई वॉक इज़ डन, मैंने साथ में व्लॉग लगा दिया था और फिर मैं वॉक करती जा रही थी एंड हियर इट इज़। ओके गाइस, वीडियो के एंड पे मुझे एक आपसे बात करनी थी। मेरी फ्रेंड ने यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, जहाँ पे वो अपनी डेली व्लॉगिंग करती है, तो उसने अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर दी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है उसको सपोर्ट करें, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसके चैनल का, तो आप चैनल को विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उसको इस जर्नी में सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, और रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ अपना। मुझे उम्मीद है आपको मेरा शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पता नहीं क्यों डाइट की वजह से या किसी चीज़ की वजह से या फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से इतनी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस हो गई है। जैसे ही मैं वॉक करती हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी मतलब एबल नहीं होती कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या कोई एक्टिविटी करूँ, कुछ करूँ, तो बस मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कल तो मैं लिटरली सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गई। वो तो शुक्र है फजर का अलार्म लगा दिया था, तो मैं उठ गई थी फजर की नमाज पे और फिर से मैं सो गई। एंड देन फिर नेक्स्ट डे मैं जो हूँ अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास उमरे की मुबारकबाद देने, जिसका व्लॉग आपको कल इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। तो बस अभी के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।